Assalamualaikum students, Fayaz Education Institute, फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। आज हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। देखिए बेटा, इससे पहले आपने देखा कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी, इफ ए ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स, देन द एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सॉरी, जैसे कि आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा, ये एक ट्राइंगल है एबीसी। सपोज करें इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हों, ए बी और ए सी इक्वल हों, तो फिर इन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है, एंगल सी और एंगल बी, ये भी इक्वल हों। तो अगर एंगल बी 50 डिग्री होगी, एंगल सी भी 50 डिग्री होगी। अगर ये 60 होगी, ये भी 60 होगी, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे, अगर एक ट्रायंगल में दो अनइक्वल साइड्स, मानिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और उसके दो साइड्स अनइक्वल है, मानिए ये साइड 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये 5 से ज्यादा होगा 7 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल हैपन टू द एंगल्स विच आर अपोजिट टू दीज अनइक्वल साइड्स। तो देखिए, इस ए बी के अपोजिट में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है, तो एंगल बी और एंगल सी इनमें क्या होगा? अगर ये एंगल 50 डिग्री होगी तो क्या ये भी 50 डिग्री होगी, या कि ये एंगल 50 डिग्री से ज्यादा होगी या कि 50 डिग्री से कम होगी, यही हम देखेंगे। तो इसी पर हमारी थ्योरम है, इफ ए ट्राइंगल हैज टू अनइक्वल साइड, देन द ग्रेटर एंगल हैज लॉरिज साइड अपोजिट, देन द लॉरिज साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट। तो इस तरह हमारे पास ट्रायंगल है, माने ये ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और इसमें हमारे दो अनइक्वल साइड्स, ए बी ए सी से बड़ा। तो बेटा, जो बड़ा साइड है ए बी, इसके अपोजिट में एंगल सी है, तो बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होगी और छोटे साइड के अपोजिट में छोटी एंगल होगी। तो मानिए अगर ये साइड बड़ा है, ये जैसे कि अभी मैंने कहा, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो फिर जो बड़ा साइड है ना, बड़े साइड के अपोजिट में ये है एंगल सी। अगर एंगल सी 60 डिग्री होगी, से फॉर एग्जांपल, तो एंगल बी 60 के बराबर नहीं होगी, ये डेफिनेटली 60 से कम होगी, इट विल बी लेस देन 60। यानी अगर 60 है, ये 50 होगी, ये 40 होगी, ये 30 होगी, ये 59 ही होगी, ठीक है, लेकिन 60 नहीं हो सकती या 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही हमारा क्वेश्चन है, इफ ए ट्रायंगल हैज टू अनइक्वल साइड्स, देन द लॉरिज साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। Lorry's side has greater angle opposite to it. यह हमारी थॉर्म है जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है, शाबाश। हाँ तो बेटा, तो देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, सो वी हैव द गिवन कंडीशन इन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी में जो साइड ए बी है, साइड ए बी इट इज ग्रेटर देन साइड ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये मैंने मेजरमेंट नहीं रखनी है, ऐसे मैंने बोल दिया, ए बी ए सी से बड़ा। तो हमें प्रूव करना है कि जो साइड ए बी है, यानी बड़ा साइड है, इसके अपोजिट में कौन सी एंगल है, एंगल सी। ये एंगल सी जो है, इट इज ग्रेटर देन, ये हमें प्रूव करना है कि एंगल सी बड़ी होगी जो ए सी के अपोजिट में एंगल है, ए सी के अपोजिट में है एंगल बी। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो देखिए, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, लेट्स मेक ए कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बेटा ए बी बड़ा साइड है, इस साइड ए बी पर मैं एक पॉइंट लूंगा, पॉइंट सच दैट AD इज इक्वल टू AC।
देखिए हम क्या करेंगे, कट ऑफ ए सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट, कट ऑफ ए सेगमेंट एडी इक्वल टू एसी, एडी काटेंगे किसके बराबर, एसी के बराबर, कहां से काटेंगे, फ्रॉम एबी, फ्रॉम लाइन सेगमेंट ए, और फिर हम ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन सी डी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो देखिए भाई यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, एक बन गई ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी। हम ऐसा करेंगे, हम इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल वन, और यहां पर जो एंगल बनेगी ये वाली एंगल, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल टू, यानी जो एंगल एसीडी है इसका मैंने नाम रखा एंगल टू। तो इसके बाद हम प्रूफ पर आएंगे। देखिए भाई प्रूफ इस तरह हम देंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए ट्रायंगल ए डी सी मैंने उठाया और हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि ट्रायंगल ए डी सी में ए डी और ए सी इक्वल, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, यह हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो हमने यहां पर लिखा। तो अभी आपको मालूम है कि ये फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना, दो साइड्स इक्वल है, तो ट्रायंगल ए सी डी बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर देखिए ए सी के अपोजिट में एंगल वन है, ए डी के अपोजिट में एंगल टू है, तो एंगल वन एंगल टू के बराबर होगी, बिकॉज दिस आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। देखिए अब अगर ट्रायंगल बी डी सी उठाऊंगा नाउ, या मैं इस तरह लिखूंगा ऑल्सो इन ट्रायंगल बी डी सी, देखिए बेटा अगर आप ट्रायंगल बी डी सी उठाएंगे ये वाली ट्रायंगल, देखिए इसमें ये जो साइड बी डी है प्रोड्यूस किया गया सो दैट दिस एंगल वन जो है ना, एंगल वन ट्रायंगल बी डी सी के लिए एक्सटीरियर एंगल, सो दिस इन ट्रायंगल बी डी सी एक्सटीरियर एंगल वन, ये वाली एंगल वन ये ट्रायंगल बीडीसी के बाहर बनती है, लिहाजा ट्रायंगल बीडीसी के लिए एक्सटीरियर एंगल, सो दिस एक्सटीरियर एंगल वन। तो भाई एक्सटीरियर एंगल थॉर्म आपको मालूम है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। चलिए यहां पर ये एक और एंगल है, इसका नाम मैं रखूंगा एंगल थ्री। तो बेटा भाई एक्सटीरियर एंगल थॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो दिस एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस दिस एंगल एंगल थ्री by exterior angles theorem जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई। तो एंगल वन जो है एंगल बी और एंगल थ्री के सम के बराबर है, ठीक है। देखिए अगर मैं इन दो में से कोई एक ड्रॉप कर दूं तो फिर एंगल वन एंगल बी से भी बड़ी बनेगी, एंगल वन एंगल थ्री से भी बड़ी बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फाइव किसके बराबर है, फाइव इज इक्वल टू टू प्लस थ्री, फाइव किसके बराबर है, टू प्लस थ्री। देखिए अगर मैं टू काट दूंगा तो फाइव थ्री से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या अगर मैं थ्री ही काट दूंगा तो फाइव टू से बड़ा हो जाएगा। तो यही केस यहां पर है, एंगल वन एंगल बी और एंगल थ्री के सम के बराबर है। अगर इन दो में से मैं एक भी ड्रॉप करूं तो एंगल वन एंगल बी से भी बड़ी बनेगी और एंगल वन एंगल थ्री से भी बड़ी बनेगी, वही मैं लिखूंगा यहां। सो दिस इंप्लाइज एंगल वन इज ग्रेटर देन, एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो बेटा एंगल वन एंगल बी से बड़ी बनी, ठीक है ना। लेकिन एंगल वन किसके बराबर है, एंगल वन किसके बराबर है, एंगल वन तो एंगल टू के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल बी। देखिए एंगल वन एंगल टू के बराबर है, एंगल वन एंगल बी से बड़ी है, लिहाजा एंगल टू भी एंगल बी से बड़ी हो। बट देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो एंगल टू है ना, एंगल टू ये वाली एंगल, ये एंगल टू पूरी इस एंगल सी से छोटी है, बिकॉज एंगल टू इज पार्ट ऑफ एंगल सी। देखिए ये पूरी एंगल है एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री,
तो लिहाजा एंगल सी एंगल टू से भी बड़ी होगी, एंगल सी एंगल थ्री से भी बड़ी होगी, लेकिन जो एंगल सी बट एंगल सी इट विल बी ग्रेटर देन एंगल सी जो है एंगल सी अपने एक पार्ट टू और थ्री दोनों से बड़ी होगी, तो यहां मैं लिखूंगा एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल टू बिकॉज होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, या आपने इक्विलेटरल पोस्टुलेट में पढ़ा है होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, तो एंगल सी होल है और एंगल टू इसी होल का एक पार्ट है, तो एंगल सी एंगल टू से बड़ी होगी। सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए एंगल सी एंगल टू से बड़ी है, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल टू बट एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल बी, सो दिस इंप्लाइज एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल, लिहाजा बेटा जो पूरी एंगल सी ये एंगल बी से बड़ी होगी। हेंस अगर ट्रायंगल में दो साइड्स अनइक्वल होंगे बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होगी और छोटे साइड के अपोजिट में छोटी एंगल, क्योंकि यहां पर ए बी बड़ा साइड था और ए बी के अपोजिट में एंगल सी थी, एंगल सी एंगल बी से बड़ी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप नोट करके रखिए। इसके बाद इसी थ्योरम का कन्वर्स है, देखिए जैसा आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखा अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगी, और फिर अगर हमने ये देखा अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स है वो भी इक्वल होते। अब अगर देखेंगे ट्रायंगल में अगर दो अनइक्वल एंगल्स है, एक एंगल बड़ी है एक छोटी है, तो अपोजिट साइड्स के साथ क्या होगा, ये दूसरी थॉर्म है। सेकंड थॉर्म, साइड्स अपोजिट टू, बल्कि हम इसमें लिखेंगे सॉरी इस तरह लिखना है, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, तो ये माने एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, और सपोज करेंगे कि इस ट्रायंगल में एंगल सी एंगल बी से बड़ी है, फॉर एग्जांपल एंगल सी 60 डिग्री है एंगल बी 50 डिग्री, यानी एंगल सी एंगल बी से बड़ी, तो बेटा बड़े एंगल के अपोजिट में बड़ा साइड होगा, एंगल सी के अपोजिट में ए बी है तो ए बी ए सी से बड़ा होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए गिवन कंडीशन इस तरह है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल सी के अपोजिट में साइड होगा वो एंगल बी के अपोजिट साइड से बड़ा होगा। अब देखिए एंगल सी के अपोजिट में है ए बी, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन एंगल बी के अपोजिट में ए सी है, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, देखिए बेटा ये हम इसमें तीन केसेस अराइज होते हैं, तो हमें प्रूव करना है ए बी ए सी से बड़ा होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि या तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे, या तो ए बी और ए बी ए सी से छोटा होगा, या तीसरी कंडीशन है जो हमें प्रूव करना है। तो पहला हम देखेंगे केस फर्स्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखिए हम सपोज करेंगे कि ए बी ए सी के बराबर, हम पहली कंडीशन लेंगे सपोज करेंगे कि ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो बेटा आपको मालूम है जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो फिर क्या होगा, देन देखिए ए बी के अपोजिट में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है, देन एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी बिकॉज यू नो दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, तो अगर ए बी और ए सी इक्वल होंगे तब एंगल सी और एंगल बी भी इक्वल होंगे, लेकिन हमारी जो गिवन कंडीशन वो है कि एंगल सी एंगल बी से बड़ी है, सो विच इज एब्सोल्यूट और विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहीं से कंडीशन देता है कि एंगल सी एंगल बी से बड़ी है, लिहाजा ए बी और ए सी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर ए बी और ए सी इक्वल होंगे तब एंगल सी और एंगल बी इक्वल आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि एंगल सी एंगल बी से बड़ी है। अब दूसरा केस लेंगे, केस सेकेंड, इफ
ए बी इज लेस देन ई सी, अगर ए बी ए सी से छोटा होगा, अगर ए बी ए सी से, तो अभी हमें पढ़ा है, अभी अभी हमने थ्योरम की कि बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होती है, छोटे साइड के अपोजिट में छोटी एंगल होती है। अब अगर ए बी ए सी से छोटा है तब तो बड़ा साइड ए सी बन गया ना, तो ए सी के अपोजिट में कौन सी एंगल है, एंगल बी। देन एंगल बी, जो एंगल बी है, एंगल बी इज शाबाश, ए बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होती है, तो इसका मतलब होगा छोटे साइड के अपोजिट में छोटी एंगल होती। अब अगर ए बी छोटा साइड है तो ए बी के अपोजिट में कौन सी एंगल है, एंगल सी। देन एंगल सी इज लेस देन ए सी के अपोजिट में कौन सी एंगल है, एंगल बी। तो तब एंगल सी एंगल बी से छोटी बनेगी, वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि कंडीशन है एंगल सी एंगल बी से बड़ी है। तो बेटा लिहाजा ये केस भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर हमारा तीसरा केस रहता है, तो फिर दो केस तो नगेट हो गए, ना ए बी ए सी के बराबर हो सकता है, नहीं ए बी नहीं ए सी ए बी से बड़ा हो सकता है, तो तीसरा केस रह गया। देन थर्ड केस इज केस थर्ड, फिर क्या रह गया, शाबाश, देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि पहला केस नेगेट हो गया, ए बी और ए सी अगर इक्वल होंगे तब एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन कहता है कि एंगल सी एंगल बी से बड़ी। दूसरी कंडीशन हमने क्या कि अगर ए बी ए सी से बड़ा होगा तो बड़ा एंगल, ए बी अगर ए सी से छोटा होगा, सॉरी, अगर ए बी ए सी से छोटा होगा तब एंगल सी एंगल बी से छोटी होगी, तो फिर एक ही केस रह जाता है, एंगल दिस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, सो देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो लिहाजा अगर ट्रायंगल में एंगल अनइक्वल होंगी तो बड़ी एंगल के बड़ी अपोजिट में बड़ा साइड होगा, तो एंगल सी बड़ी एंगल है, इसके अपोजिट में ए बी है तो ये बड़ा साइड होगा, और छोटी एंगल के अपोजिट में छोटा साइड होगा। फिर इसमें जो तीसरा हमें पढ़ना है, दैट इज जो आपने वेरी फेमस है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आप पढ़ते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ, ये तीसरी थ्योरम है, टू साइड्स मींस एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आप लीजिए, उसका सम तीसरे साइड से डेफिनेटली बड़ा होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं होगी। जैसे अगर आपके पास मेजरमेंट्स है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देखिए बेटा अगर आप 2 और 5 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 हो गए 7, 7 3 से बड़ा है, अगर 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5 इज 8, 8 2 से बड़ा है, लेकिन अगर आप 2 और 3 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 इज 5, 5 5 के बराबर है, तो दीज कैन नॉट बी मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के मेजरमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी ऑप्शन केस में दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर एक ट्रायंगल होगी उसमें कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। एक मिनट है, सो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, मानिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, गिवन कंडीशन है अ ट्रायंगल एबीसी, हमें प्रूव करना है कि इसमें अगर आप कोई भी दो साइड्स लेंगे उसका सम उनका सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, यानी अगर आप ए बी और ए सी लेंगे, ए बी और ए सी इनका सम बी सी से बड़ा होगा, अगर आप ए बी और बी सी लेंगे उनका सम ए सी से बड़ा होगा, अगर आप बी सी और ए सी लेंगे उनका सम ए बी से बड़ा होगा, ये आपको प्रूव करना है। देखिए बेटा हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, लेट्स हैव ए कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो साइड ए बी है इस साइड ए बी को मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, लेट्स प्रोड्यूस दिस साइड ए बी, टू ए पॉइंट डी, प्रोड्यूस बी ए टू ए पॉइंट डी, बी ए को मैं प्रोड्यूस करूंगा एक पॉइंट डी तक, सच दैट
लेकिन इस तरह प्रोड्यूस करूंगा एडी एसी के बराबर आ जाए, सच दैट एडी और एसी आपस में इक्वल आ जाए, और इसके बाद में ज्वाइन करूंगा एंड ज्वाइन, फिर ज्वाइन करेंगे सी डी, सी और डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए सपोज इस एंगल का नाम मैं रखूंगा यहां एंगल वन, या नाम रखने की जरूरत नहीं है, मत रखिए नाम, आप इस एंगल का नाम रखिए यहां पर एंगल वन, लेट्स नेम दिस एंगल एज एंगल वन। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रूफ देंगे। तो बेटा देखिए यहां से मैं ट्रायंगल एसीडी उठाऊंगा, प्रूफ इन ट्रायंगल एसीडी। अब हमने देखा ट्रायंगल एसीडी में एसी और एडी इक्वल है, एसी इज इक्वल टू एडी जो हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। देन यू नो दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए एसी के अपोजिट में एंगल डी है और एडी के अपोजिट में एंगल वन है, सो देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल डी एज दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बेटा एंगल वन एंगल डी के बराबर हो, ठीक है ना, लेकिन जो एंगल बी सी डी है ना, ये एंगल बी सी डी, एंगल वन इसी एंगल का एक पार्ट है, एंगल वन जो है ये एंगल, सॉरी एंगल वन जो है एंगल बी सी डी का एक हिस्सा है, बट एंगल बी सी डी, ये आप देखेंगे बी सी डी पूरी एंगल है जिसका एक पार्ट एंगल वन, एंगल बी सी डी जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल वन, क्योंकि होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, जो जैसा कि आपको मालूम है होल ऑफ एनी थिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी, अब बी सी डी एंगल वन से बड़ी है लेकिन एंगल वन एंगल डी के बराबर है, लिहाजा एंगल बी सी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब देखिए बेटा आप अभी आपने पढ़ा है कि ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, दस इन ट्रायंगल बीसीडी, देखिए अगर आप ट्रायंगल बीसीडी पर आएंगे, ट्रायंगल बीसीडी में आपके पास एंगल है बीसीडी यानी ये वाली एंगल और ये एंगल एंगल डी, अब इसमें क्या हो गया कि एंगल बीसीडी एंगल डी से बड़ी है, नाउ यू नो दैट ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, दस इन ट्रायंगल बीसीडी। अब देखिए एंगल बीसीडी जो है ना, यानी ये वाली एंगल, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, इसके अपोजिट में साइड बीडी, दिस इंप्लाइज बीडी इज ग्रेटर देन, और एंगल डी के अपोजिट में है साइड बीसी, लिहाजा बीडी बीसी से बड़ी होगी, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट शब्द। अब देखिए बेटा जो साइड बीडी है इसके मैं दो हिस्से कर दूंगा, एक बनेगा इसका ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी, अब बी डी के दो हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा हो गया ए बी और दूसरा हो गया ए डी, सो ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। देखिए मैं फिर से बता दूं, जो साइड बी डी है इसके दो हिस्से है, एक हिस्सा है ए बी दूसरा हिस्सा है ए डी, तो लिहाजा मैंने बी डी के बदल लिखा ए बी प्लस ए डी, सो ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, और दिस इंप्लाइज ए बी को ऐसे रख दीजिए प्लस ए डी, एडी के बारे में अभी आपने कंस्ट्रक्शन में किया है कि जो एडी, एडी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, लिहाजा मैं लिखूंगा एडी प्लस एबी प्लस एडी के बदले में लिखूंगा एसी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि एडी एसी के बराबर है, लिहाजा मैं एडी के बदले क्या लिखूंगा एसी, सो एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन बीसी। तो हमने प्रूव किया कि एबी प्लस एसी बीसी से बड़ा होगा, इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे तीन साइड्स में तो यू विल गेट द अदर टू पार्ट्स हैंस टू। ओके, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही करूंगा, लेकिन आज मैं दूसरी वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल जूम क्लास होगी और परसों से हम अगला चैप्टर उठाएंगे, तो आप मेहनत करते रहे, अल्लाह हाफिज़।